एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज है 20 अक्टूबर और हमको स्टार्ट करनी है आज पैकिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं तीनों बच्चों के साथ बाहर। और ये कुंज की स्माइल देखो, देख रहा है? ओए होए, कुंज की मुस्कान तो मतलब नेक्स्ट लेवल की है। इनको पता है कहाँ जा रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी अंदाज़ा लगी गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी, हम जा रहे हैं श्री जी कृपा से श्रीधाम वृंदावन। इस बार हमारे श्री जी हमें लेके जा रहे हैं। देखिए, हर बार हम जब भी जाते हैं ना धाम, तो हमारे बच्चों में से हमें कोई ना कोई लेके जाता है। पहली बार नंद लेके गए थे, उसके बाद श्याम सुंदर लेके गए, फिर उसके बाद वापस से नंद लेके गए, फिर कुंज लेके गए, इस बार हमें श्री जी लेके जा रही हैं। क्योंकि कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास में वृंदावन जाना तो ज़रूरी है ही। और हम श्री जी को बोलते हैं कि आप पूरे वर्ष में हमें कभी ना बुलाएं, तो वो विरह तो हम सह लेंगे, लेकिन कार्तिक मास में अगर वृंदावन नहीं जा पाए तो वो विरह तो हमसे नहीं सहा जाएगा। तो इनकी कृपा से आज हम जा रहे हैं, शाम को हमारी ट्रेन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग। हमने बाकी की सारी चीज़ें कर दी है, 11 बजने वाले हैं, तो जितने जल्दी हो सके हम सारी चीज़ें कर लें। तो देखो जी, ये सब वस्त्र अभी हमने निकाले, अभी तो हमने सिर्फ लाडू के निकाले, क्योंकि हम ज़्यादा हैवी लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर वैसे भी लेके नहीं जाते हैं। कार्तिक महीना है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी बाहर और बहुत रश रहेगा, तो ऐसे में मैं नहीं चाहती कि उनको कोई कष्ट हो। तो वो जहाँ भी हम इन्होंने व्यवस्था की होगी हमारे रहने की, वहीं हम विराजमान रखेंगे, कहीं ज़्यादा लेके आएंगे जाएंगे नहीं। तो हमने देखिए ये नॉर्मली वस्त्र रखे हैं। देखो, ये हमारे लाडो के हैं, ये पैंट हो गया, ये ऊपर का फ्रॉक इस तरीके का जिसे लाडो ने पहना है अभी। तो आज हम ट्रैवलिंग में यही पहना के लिए जाएंगे, सिर्फ कुंज का हम चेंज करेंगे और नंद बाबू का भी थोड़ा सा चेंज करने का मैं सोच रही हूँ। लेकिन कुंज का पीछे से है ना पूरा बैकलेस रहता है, तो उनको दिक्कत होगी इसीलिए। तो एक हमने यहाँ पे ये कुंज का भी ले लिया है पोशाक, छोटा सा नंदनी के लिए कि रहेंगी तो पहन लेंगी। अरे, ये वाला भी सिर्फ एक हम ये इस तरीके का पोशाक एक लेके जाएंगे हम, एक या दो, एक और देख लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं कहीं और लेके नहीं जाती, तो खाली दो जगह तो मैं इनकी कृपा से लेके ही जाती हूँ भाव आता है। तो एक तो बरसाना और एक तो केशी घाट। तो बरसाना तो हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि तीनों को लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे मन में ऐसा है कि हम केशी घाट लेके जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं रहा तो, अगर इन लोगों ने मन में भाव डाला तो। और जल्दी दोपहर को ही ले जाऊंगी, क्योंकि शाम को बहुत रश हो जाएगा ना वहाँ पे दीपदान की वजह से। तो उस दिन के लिए मैं सोच रही हूँ ये हो गया, या तो कोई एक और कोई पोशाक है, अभी देख लेती हूँ क्या है, वो हम पहना के इनको ले जाएंगे, फिर देखेंगे व्यवस्था कैसी है लेके जाने की, उसके बाद विचार करेंगे। तो पहले ये सब हम पैक कर देते हैं। इसके लिए हमने इस प्रकार की जो चैन वाली है, इस तरीके की प्लास्टिक की थैली ली है मैंने, तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी गंगा जल डाल दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, क्योंकि सब ऐसे बैग में रखूंगी तो फिर मिलेगा नहीं एंड टाइम पे। देख एक करके पार्टीशन करके सबका अलग अलग रख देंगे तो हो जाएगा। कुंज को देखा तो काला टीका लगा दिया है मैंने कुंज को, कि उनको नज़र ना लगे कि ट्रेन में जा रहे हैं ना, है ना, नज़र लगा देते हैं और ये सबके पास जाते हैं ट्रेन में इसीलिए। तो ये देखिए, हमने ये ले लिए कुंज के कपड़े। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार के कपड़े लेके जा रहे हैं, क्योंकि कुंज के पास ऑलमोस्ट क्या है ना, सब बैकलेस है, यानी कि पीछे से पीठ दिखने वाला है। तो ऐसा मैं कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर कभी इत्तेफाक से कहीं बाहर लेके जाना हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ऐसे वाले फ्रॉक ले लेते हैं, इसके नीचे हम ले लेंगे इस तरीके का पैंट, क्योंकि हल्का हल्का शरद पूर्णिमा है तो हल्की सी ठंड भी स्टार्ट हो गई होगी, मुझे पता ही है। तो कुछ ये वाला है, इस प्रकार के हम ले लेते हैं। ठीक है कुंज, आपको चलेगा ना ऐसा? चलेगा, हाँ ठीक, श्री राधे। तो देखिए, ये हमारे हो गए कुंज की पैकिंग। ये देखिए, ये लाडो का है और ये कुंज का है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे प्यारे से नंद बाबू का सबसे सबसे छोटा सा जो पैकेट है ना, हमारे नंद बाबू का है, सबसे छोटे छोटे वस्त्र हैं नंद बाबू के, कोई टेंशन नहीं। ये इस हिसाब से कॉटन के ही हमने लिए हैं। अभी हमने पता करना है कि वहाँ क्या मौसम है, तो अभी मैसेज वैसेज तो किए, देखो पता चले किस हिसाब से क्या, अगर ठंड रहेगी तो कुछ ठंड का रख लेंगे, है ना। तब तक हम ये कर देते हैं नंद बाबू की पैकिंग। बहुत टाइम लगता है भाई साहब पैकिंग में। अभी देखिए, हमने एक एक करके ये सारी ज्वेलरी निकाली है, कि एक्चुअली क्या ज़्यादा लोड ना हो ना, बस इसीलिए, क्योंकि सब साथ में इतना सब कुछ लेके जाना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जितनी ज़रूरत है उतना ही निकाल रहे ना, तो बाकी वैजंती माला तो है ही है, वो एडजस्ट कर लेंगे। और सारी ज्वेलरी हम रख देंगे इसमें, है ना, क्योंकि हल्का हल्का तो श्रृंगार करेंगे ही हम। और ये देखो, जब देख रहे हो ना कंठ में उन्होंने कितना सुंदर नज़रिया बांधा है, हमने पहनाया है आज इनको कि नज़र ना लगे इसलिए। तो ये तो रहने वाला ही है, तो कोई टेंशन तो रहेगा नहीं। तो देखिए, बैग है, हमने बताया ही था आपको, मैंने पहले इसमें गंगा जल स्प्रे कर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं क्या है कैसा है, तो शुद्धता के ध्यान रखते हुए ये
हमने स्प्रे कर दिया था, अभी एक एक करके सबका वस्त्र रख देते हैं। अब अलग अलग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे वहां जाके ज्यादा ढूंढना ना पड़े, क्योंकि फिर हमको यात्रा भी करनी रहेगी, मंदिर दर्शन भी करना रहेगा, तो ज्यादा टिटिमा ना रहे इसीलिए। और ये रख दिया हमने ज्वेलरी। अब बाकी सब धीरे धीरे जो एक एक चीजें हैं वो मैं करूंगी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ भोग बनाने, क्योंकि ऑलरेडी 12:15 हो गया है। ओ भाई थक गए, बताओ 3 बजने के लिए आ गया। अभी सबका शयन नहीं कराया, खाली कुंज को मैंने शयन करवाने के लिए भेजा है। और इन लोग के देखिए इतने सारे पार्सल आए थे, उसमें इतने सारे कपड़े आए थे, सबका ट्रायल करवाया, उसमें अलग टाइम लग गया। ये दोनों यहाँ बैठे हैं, फटाफट जाके इन लोगों को शयन कराती हूँ मैं, फिर मुझे भोग भी बनाना है, मुझे पार्लर भी जाना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले यही काम कर लेते हैं जो जरूरी है वो। मैंने अपने कपड़े भी अभी तक पैक नहीं किए हैं। हाँ ये देखिए सब्जी वगैरह कट कर दी है, बर्तन धो दिया था, लेकिन अभी भी किचन की हालत देखो इस प्रकार से। रोटी बन गई है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी रखते हैं फटाफट, मैं बाबू को उत्थापन करा दूँगी क्योंकि ऑलरेडी 5:30 बज गया है। तो मैं ऐसे टाइम पे वो बनाती हूँ कि ज़्यादा लेट ना हो और गर्म ही रहे, क्योंकि 7 बजे की अगर ट्रेन है तो मेरे ख्याल से 8:30 तो वैसे ही भूख लगाने का टाइम हो ही जाता है। तो चलिए बनाते हैं सब। तो ये देखिए उत्थापन हो गया, आरती हो गई, भोग भी लग गया भाई बच्चों का तो। और देखिए यहाँ पे इनकी सारी चीजें रखी हैं जो हम लेके जा रहे हैं, ये इनके सारे बिस्तर हैं, तकिया हो गया, सारी चीजें हो गई, क्योंकि सारी चीजें को जरूरत ज्यादा पड़ती है ना, क्योंकि वो सोते भी बहुत उस तरीके से है ना, एक एक चरण के नीचे तकिया रखेंगे, एक हाथ के नीचे रखेंगे, एक पीछे कमर पे रखेंगे, एक साइड पे रखेंगे। और इसमें उनके कंगन है और इत्र है, इसमें हमारा ब्रजरज है जो हम सेवन करते हैं, और ये ब्रजरज तिलक के लिए है, और इनका दर्पण, और सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं रख देती हूँ फटाफट ही सबको बैग में। देखिए ये डाडो का और नंद का बास्केट रेडी हो गया है, और इसके नीचे भी हमने एक कपड़ा रखा है, पहले हम एक टॉवल रखते हैं, फिर उसके नीचे, फिर उसके ऊपर गद्दा रखते हैं, डायरेक्ट उनका गद्दा जो है वो स्पर्श ना हो कोई चीज़ पर। और ये पेपर वाला हमने लिए हैं मेरे लिए, हम लोगों के लिए कुछ खाना हो तो। तो ये देखिए ये हमने एप्पल ले लिया है कल मॉर्निंग के भूख के लिए, इनके लिए ग्लास ले लिया, ये ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट है। और जब हम पहुंच जाएंगे वृंदावन दोपहर में पहुंचेंगे कुछ 12:30 तक, तो ब्लैंकेट ये हो गया, इसमें बिछाने के लिए हो गया, तकिया हो गया, सारी चीज़ें। देखिए इसमें हमने क्रीम रख लिया है मेरी, ये हमने वेट टिश्यू पेपर रखा है, इसके अंदर मेरे सब चश्मा का सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हम रख देंगे सभी भोग का जितना भी सामान है जो भी हम लेके जा रहे हैं वो, और मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो, ग्लास भी इसी में ही जाएगा, उनके 2-3 बर्तन हैं वो भी हम इसी में ही लेके जाएंगे। यहाँ कुंज को हमने करा दिया है चेंज, हमारी गुड़िया रानी यही पहनेंगी, और हमारे हैंडसम से नंद ये भी पहनेंगे। और ये गंगा जल या यमुना जल आप अपने पास हमेशा रखा कीजिए जब भी आप ट्रैवलिंग में जाया कीजिए। देखिए गंगा जल और यमुना जल अगर आपके पास होता है तो आप ठाकुर जी को श्री जी को लेकर ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको इजी रहता है, क्योंकि मैंने एक बार गुरुदेव के श्रीमुख से भी सुना था ये चीज़ कि आपके पास अगर कोई भी पवित्र जल होता है तो आप कभी भी ठाकुर जी को जब विराजमान कराते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद आप ठाकुर जी को विराजमान कराइए। जैसे कि अभी हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हमको नहीं पता उस सीट पर कौन बैठा था, कैसा व्यक्ति था क्या नहीं था, तो हम जब भी ठाकुर जी को उस सीट पर विराजमान कराएंगे उससे पहले हम वहाँ पर गंगा जल स्प्रे करेंगे, जिस उसके बाद हम विराजमान कराएंगे। जो भी ब्लैंकेट बेडशीट जो भी वहाँ पे दी जाती है बिछाने के लिए, वो बिछाने के बाद हमें फिर वहाँ पे गंगा जल स्प्रे करना है, उसके बाद ही हमें वहाँ पे बास्केट रखना है ठाकुर जी की। और इसी तरीके से आप ध्यान रखें, वॉशरूम जा रहे हैं तो हाथ पांव आप धो लीजिए, अगर आप पॉटी भी कर ले रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप पॉटी करने भी चले जाएँ तो भी आप हाथ मुँह अच्छे से धो लीजिए, थोड़ा पानी ऊपर स्प्रे कर लीजिए, और अपने पास गंगा जल यमुना जल जो भी आप रखते हैं वो थोड़ा सा आप स्प्रे करके आप वापस से सेवा कर सकते हैं। चप्पल खाली आपको निकाल देना है सेवा के दरमियान बस। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे टिफिन रेडी हो गए हैं, ये दोनों भोग है, इसमें हमने वेजिटेबल खिचड़ी बनाई है, इसमें सब्जी है, इसमें रोटी है, ये आरती के लिए हम अपना थाली ले रहे हैं, बाकी हम दिया बाती जो भी है वो सब अरेंज करेंगे। ये बर्तन धोने के लिए हमने साबुन ले लिया है, ये देखिए इसमें मैंने ले लिया है दिया घी के साथ, क्योंकि अब अष्टयाम सेवा है तो जितना हो जाए श्री जी कृपा से उतना तो हमें करना ही है। देखिए सब कुछ तैयार हो गया, ये देखिए हमारे कुंज, ये रहे कुंज, ये रहा दिखा आप लोगों को।
ऐसे छुपा के लेके जाना पड़ता है मेरे को कुंज को, लेकिन ऐसे इजी रहता है ना, क्योंकि अभी एक और बैग पीछे ले लूंगी और नंद नंदनी है उनके लिए भी मेरे सखी और सखा आ रहे हैं, तो अभी हम सब साथ में निकलेंगे, कि हम लोग साथ में ही वृंदावन जा रहे हैं सब लोग। तो चलिए अब हम चलते हैं।